आजादी के 69 साल। इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। कोई बच्चा गया अभी तक कंप्यूटर में? पहले मेरे को ये बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे से कि आपके पास बच्चे आते हैं? आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। टूटी पड़ी पानी ट्रक हम कैसे पढ़ पाएंगे? आप चाहोगे क्या आपका बच्चा? नहीं, दूसरा का बच्चा क्यों बुला रहे हो? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक की किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। 3 साल पहले लगभग दिल्ली के अधिकतर स्कूलों की यही हालत थी। ऐसे में समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, लेकिन हिम्मत लगाई और लग गए काम करने पे। बजट बढ़ाया, सस्पेंड किया जो काम नहीं करने वाले लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले थे उनको अवार्ड दिया। मैं खुद आता था, ऑफिसर्स आते थे, इंजीनियर्स आते थे, एस्टेट मैनेजर्स की नियुक्ति करी, इंजीनियर्स और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर साहब तक खुद आके स्कूलों में दौरे करके जाते थे। 3 साल में इतना बदल गया। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। हम बार बार कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन अगर हम 100% बच्चों को, देश के एक एक बच्चे की एजुकेशन पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? सिर्फ 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को काम चलाओ एजुकेशन, इससे तो देश नहीं खड़ा होगा। एक एक बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा, तब देश खड़ा।